फिल्म अच्छी है, स्टोरी अच्छी है। बहुत दिनों बाद एक क्लासिकल मूवी आई है। इससे पहले एक्शन और कॉमेडी बहुत चल रहा था, तो अभी बहुत दिनों बाद एक क्लासिकल मूवी है। शक्ति कपूर और पूनम पांडे का जो कॉम्बिनेशन है, लाइक अनूप जलोटा और वो लड़की का नाम क्या, जसलीना, उस तरह का ही कुछ कॉम्बिनेशन है। और हालांकि जो मोहब्बत वाली बात है, तो कहीं ज़रूरत है कहीं मोहब्बत है, दोनों मिक्स है। कहानी अच्छी है और बहुत अच्छे तरीके से पेश किया गया है। पता नहीं चलता फिल्म कैसे ख़त्म हो जाती है। जी, शक्ति कपूर और पूनम की एक्टिंग की बात करें तो कितनी पसंद है? एक्टिंग अच्छी है। शक्ति कपूर साहब ने हमेशा नेगेटिव किया है, जैसे आओ लॉलिता समथिंग, लेकिन इस बार उन्होंने एक शायराना अंदाज रखा है, एक शायर का रोल किया उन्होंने। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा। पहली बार ज़िंदगी में उन्होंने एक पॉजिटिव रोल किया है। म्यूजिक कैसा था? म्यूजिक तो बहुत बहुत बेहतरीन, अच्छा है। फिर से देखना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल देखने की इच्छा है, लेकिन एक बार फिल्म तो वाकई देखना चाहिए। सॉरी, कितने स्टार? 5 पे सर, 3 प्लस तो देना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी मूवी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें जो मैसेज दिया गया है कि जो लड़कियां, जो गरीब घर की लड़कियां हैं, उनको बस मतलब आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, कि किन किन हालात का सामना करना पड़ता है, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और वो मुझे सबसे अच्छा लगा। फिलहाल पूनम पांडे जी को मैंने फर्स्ट टाइम देखा, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने रोल किया, और शक्ति कपूर जी तो माइंड ब्लोइंग, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। और एक उसमें बहुत अच्छा रोल किरदार निभाया गया है जो मुझे ज़्यादा पसंद आया, कांति लाल का, तो वो बेस्ट था। और मतलब फुल टू फुल एंटरटेनमेंट और मैसेज मूवी है, मेरे हिसाब से पब्लिक को देखनी चाहिए। मुझे तो मेन देखो इसमें यही चीज़ अच्छी लगी कि लास्ट में वो लड़की कितना सेक्रीफाइस कर जाती है, और वो मतलब मे बी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाती है, बट उसमें लास्ट में ये था कि उसने सोचा कि शायद वो ज़िंदगी में कभी अभी गरीब की गरीब रहेगी, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि सारी प्रॉपर्टी जो करोड़ों की जायदाद है, और वो जो हैं वो मतलब जिसके लिए वो सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हुई, वो बंदा उसके नाम कर गया मरने से पहले। तो वो चीज़ हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती है कि कोई किसी को ऐसे कर दे, ये पिक्चरों में अच्छा लगता है। बाकी रियल लाइफ में देखा जाए उस मैसेज के हिसाब से तो जितने भी एनजीओ वगैरह हैं, जो भी हैं, उनको लड़कियों की मदद करनी चाहिए पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए। माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छी थी। अफकोर्स म्यूजिक भी धमाल था, मस्त था। 3.5 पकड़ गया। फिल्म अच्छी लगी, जो भी बहुत सारे मेहनत किया इन लोगों ने फिल्म में, पूनम पांडे ने भी अच्छा काम किया है, और शक्ति कपूर स्टोरी ठीक है, मैनेजेबल है, बस जिस हिसाब से शूट किया इन्होंने अच्छा कोशिश किया है। थोड़ा सा एक तो यंगपन और दूसरा जो एज एड के हिसाब से जो भी है अच्छा काम किया इन्होंने, बढ़िया अच्छा लगा फिल्म। और कांति भाई भी धमाल कर दिए, और कांति भाई का तो हिट है। कहाँ शक्ति कपूर और पूनम पांडे की केमिस्ट्री कैसी लगी? अच्छी लगी। परफॉर्मेंस कैसी थी? परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, और लड़की ने अच्छी काम की है, जो भी है पूनम पांडे का काम अच्छा है। जहाँ म्यूजिक अच्छा है। फिर से देखना चाहेंगे जरूर, अगर तो दोस्तों के साथ अकेले नहीं देखेंगे। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 5 में से कितने? जो मांग लो वो है आपकी। थैंक यू सो मच। अच्छी है स्टोरी, नॉर्मल स्टोरी है, बट एक मैसेज दिया है अच्छा सा, एक मजबूरी का लोग जो फ़ायदा उठाते हैं उसके ऊपर है। शक्ति कपूर पूनम पांडे परफॉर्मेंस कैसी थी? अरे ऑन स्क्रीन ये ना शेर व शायरी में ही हो सकता है, जो शक्ति कपूर पूनम पांडे के साथ जो हुआ। शायरी में बता दीजिए। शायरी है, तुम्हारी आंखों का रस मैं पी जाऊँ तुम्हारी आंखों से। नाइस, अच्छा है। शक्ति कपूर पहली बार मैंने इस रोल में देखा उनको, शेर व शायरी वाले में, ऑल टाइम तो ऑल टाइम विलन एंड कॉमेडी, तो उन्होंने तो अच्छा निभाया क्योंकि वो तो सीनियर एक्टर। और पूनम पांडे कोशिश कर रहे थे अच्छी, और दिख रहा था एफर्ट, तो अच्छा था। मूवी का ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको हमेशा याद रहेगा? कॉन्सेप्ट भी यार कि कभी अगर मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आई तो मैं शायद याद कर लूँ इसको कि अरे यार ऐसी मजबूरी नहीं उठानी। मूवी क्या हो सकता है? मैसेज ये देती है कि यार सबकी हेल्प कर लो, सबको अच्छा ट्रीटमेंट दे दो, जिसे यही मैसेज है नॉर्मली। अच्छा,
म्यूज़िक बहुत बढ़िया, सुखिंदर भाई जी ने तो कमाल, गाना अच्छा था उनका, ऑल गुड। फिर से देखना चाहेंगे? शायद अगर कभी बोर हुआ तो बहुत ज़्यादा। कितने स्टार आउट ऑफ 5? 3.5। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसी लगी? किसकी? कर्मा। कर्मा ठीक थी, अच्छी फिल्म, मतलब एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म बनाने की कोशिश की गई है तो अच्छी लगी मुझे। स्टोरी कैसी थी? नॉर्मल सी कहानी थी, एक आजकल वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं, एक लैपटॉप भी एक मुद्दा हो सकता है, छोटी छोटी परेशानियां भी आजकल, क्या कहते हैं, पहले हम दिखाते थे कि सोने के बिस्किट चोरी होते थे, आज लैपटॉप नहीं है तो परेशानी है, तो ये चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें जो आ रही हैं, इंट्रोड्यूस हो रही हैं, वो सही चीज़ें। शक्ति कपूर को और ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता था, मुझे ऐसा लगा, उनको इस्तेमाल नहीं किया गया ढंग से। अगर थोड़ा लंबे समय तक याद रहेगा तो सुखविंदर का गाना याद रहेगा बस, और तो कुछ याद नहीं रहेगा। म्यूजिक अच्छा था। डायरेक्शन कैसे? डायरेक्शन ठीक था, अच्छा था। फिर से देखना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। कितने स्टार आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 5 2.53। थैंक यू सो मच।